गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, टक्स पेंट। इंट्रोडक्शन, यू हैव ऑलरेडी लर्न सम ऑफ द टूल्स इन क्लास 1। लेट अस लर्न सम मोर टूल्स ऑफ टक्स पेंट। हमने पेंट में बहुत सारे जो टूल्स होते हैं वो हमने ऑलरेडी क्लास 1 में सीख लिए। अब हमें क्या करना है, टक्स पेंट। तो टक्स पेंट आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे ओपन करना है, किसे हमें उसका यूजेज होते हैं, कितने उसके टूल्स होते हैं, कितने ब्रशेज होते हैं, कितने कलर्स होते हैं, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। ठीक है, ये क्या है, टूल बार। ये क्या है, हेल्प एरिया। कलर पैलेट, सिलेक्टर, ड्राइंग कैनवास। ये जो व्हाइट कलर का हमें जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग कैनवास। ठीक है, ये मैं आपको कंप्यूटर में सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी टक्स पेंट कैसे ओपन करते। सबसे पहले कहाँ पे जाना है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में जाके हमें यहाँ पे टक्स पेंट, ये दिखाई दे रहा है टक्स पेंट, उसको ओपन करना है। यहाँ पे हमारी जो टक्स पेंट की जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पेंट टक्स पेंट है वो ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी ये क्या है पेंट। यहाँ पे ये सब टूल्स है, पेंट टूल, स्टैम्प टूल, लाइंस, शेप, टेक्स्ट, लेबल, मैजिक, इरेजर, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एंड क्विट, ये हमारे सब टूल्स है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है और यहाँ पे ब्रशेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटा ब्रश है कि यहाँ पे इस तरह से, फिर इससे थोड़ा बड़ी लाइन हम यहाँ से कर सकते, फिर यहाँ से उससे भी ज़्यादा बड़ी, इससे हम उससे भी ज़्यादा बड़ी लाइन, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी लाइन करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब कुछ हमें डिलीट करना है, इरेज करना है, तो इरेजर टूल लेना पड़ेगा यहाँ से और ये सब कुछ हमें इरेज कर देना है। ठीक है, ये क्या था हमारा ब्रश टूल। अब क्या करना है, आज हम करेंगे पेंट टूल। तो सबसे पहले पेंट टूल कैसे करना है, स्टेप टू यूज अ पेंट टूल, क्लिक द पेंट टूल, ब्लर ब्रश विल अपीयर्स। नाउ क्लिक टू सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, क्लिक साइज ऑफ द ब्रश फ्रॉम द सिलेक्टर, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस पॉइंटर इनसाइड द ड्राइंग कैनवास। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या करना है, टूल्स में से पेंट टूल लेना है, उसके बाद हमें करना है कलर सिलेक्ट, उसके बाद हमें ब्रश सिलेक्ट करना है कौन सी साइज का ब्रश लेना है, और फिर उसकी हेल्प से हम ड्राइंग एरिया में हम यह इस तरह से क्लास 2 लिख सकते हैं। मैं अभी आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, पेंट, पेंट टूल लिया। अब क्या करना है, कलर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से इस तरह से कलर सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं ब्रश सिलेक्ट करूंगी, मुझे ये ब्रश चाहिए। अब मैं यहाँ से मेरा जो भी नाम, मेरा जो नेम है वो लिखना है, क्लास लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। अब ये मुझे लगा कि ए जो है प्रॉपर नहीं, मुझे इरेज करना है, तो इरेजर टूल लूंगी, अब उसकी हेल्प से मैं ये इरेज कर दूंगी इतना। ठीक है, अब वापस से पेंट बटन लूंगी, अब मैं यहाँ के जो एल था वो रिमूव हो गया, वो वापस से मैं एल ड्रॉ करूंगी, वापस नहीं हुआ तो यहाँ से मैं इरेज कर दूंगी। पेंट बटन लूंगी, अब मैं उसमें लिखूंगी,
यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लास टू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन टूल। लाइन टूल कैसे करेंगे? इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। लाइन टूल की हेल्प से हम लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए, सबसे पहले कहाँ पे जाना है, लाइन टूल में। लाइन टूल में जाने के बाद हमें क्या करना है, कलर सेलेक्ट करना है कलर पैलेट से। फिर हमें लाइन में जाके सिलेक्टर में जाना है कि हमें कैसी लाइन चाहिए, हमें थिक लाइन चाहिए, थिन लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए वो सिलेक्ट करना है। फिर हमें क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ड्रॉइंग कैनवास एंड देन रिलीज द माउस बटन देन फिनिश्ड। यहाँ पे मैं आपको अब सिखाऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टूल पैलेट में कहाँ जाऊंगी, लाइन में। फिर यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लू कलर चाहिए, ब्लू कलर की लाइन चाहिए। फिर मैं यहाँ से सिलेक्टर में जाऊँगी। यहाँ पे मुझे कैसी लाइन चाहिए, यहाँ पे मुझे थोड़ी थिन लाइन चाहिए। तो इस तरह से सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे दूसरा मैंने सिलेक्टर लिया, अब मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे मैडम? तो सबसे पहले ये ब्रश को सिलेक्ट करेंगे माउस की हेल्प से। ये जो हमारा माउस है, माउस की हेल्प से ये जो लेफ्ट क्लिक है वो प्रेस करके, हम प्रेस करके इस तरह से जितनी भी लाइन हमें बड़ी चाहिए इतना हमें माउस की हेल्प से उसको ड्रैग करना है। इस तरह से लाइन हो जाएगी। अब हमें माउस को रिलीज कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी जो लाइन है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। ये क्या था, लाइन टूल। आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।